कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाया गया 2 दिनों के साप्ताहिक बंदी का असर रविवार को भी देखने को मिला। इस दौरान पादरी बाजार चौराहा, असुरन चौक, धर्मशाला फ्लाईओवर, गोरखनाथ रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य चौराहों पर लॉकडाउन का असर देखा गया। इसके अलावा रात्रि में नाइट कर्फ्यू का असर गोलघर के सड़कों पर देखने को मिला। वहीं चेतना तिराहे पर पुलिस वाहनों का चेकिंग कर कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराती रही, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अभी दिन का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार रविवार को लगाया गया है तथा रात्रि में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। एसपी सिटी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि घरों से बेवजह बाहर ना निकले, अनावश्यक घूमने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, नाइट कर्फ्यू है, समय से घर में देखिए अभी वीकेंड लॉकडाउन है, आंशिक कर्फ्यू, और इसके अलावा रात्रि में आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। तो सैटरडे संडे था, वीकेंड था, इस पर लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, लोग बाहर नहीं निकले। इसी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि कल भी जब रात्रि कर्फ्यू होगा पूरे हफ्ते में, तो सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे और बेवजह बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई बिना मतलब के बाहर निकलता है, इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है कर्फ्यू के टाइम पर, क्योंकि उसमें सिर्फ आवश्यक वस्तु की दुकानें वगैरह ही खुली रह सकती हैं, तो उस पर उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।